Hello everyone, so today we are going to discuss the topic that is neural testing and mobilization techniques for the lower quadrant. ठीक है, अब हम upper quadrant से lower quadrant में आ गए. हमने upper quadrant में three nerves को discuss किया, median, ulnar और radial nerve, जो हमने last three lectures में discuss किया. okay, so अब हम आ गए sciatic nerve के ऊपर. sciatic nerve एक major nerve है जो आपके lower limb को supply कर रही होती है. ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि ये दो में divide होती है, जो common peroneal और सीवियल नर्व में होती है, लेकिन हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है, सिर्फ आपको एक मेजर ओवरव्यू दिया. sciatic नर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है और ये बहुत से केसेस में इसका इशू होता है. आपको sciatic नर्व की स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन पता होनी चाहिए ताकि आप बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये पेशेंट बेसिकली sciatic नर्व की वजह से आया है कोई मस्कुलर इशू है. ठीक है, एंड सेकेंड वन, आपको sciatic नर्व के स्ट्रेचेस आने चाहिए ताकि आप पेशेंट की कंडीशन को ईजिली ट्रीट कर सकें. ओके, सो sciatic नर्व ना बेसिकली दो तरह से स्ट्रेच होती है. ठीक है, फर्स्ट वन इज द SNR, जिसको हम आम टर्म्स में कहते हैं SNR, लेकिन हम लोग स्ट्रेट लेग रेज बेसिकली इसका टर्म यूज करते हैं प्रॉपरली. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लेग रेज के साथ हम एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन भी ऐड करते हैं. ठीक है, अब पेशेंट की पोजीशन और प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट शेट ऐसे हैं या डिफ्रेंसीशन ऐसे हैं कि पेशेंट जो है बेसिकली स्पाइन पोजीशन में. ठीक है, अब आपको यहाँ से हम पिक्चर्स साथ साथ देखते जाएंगे. ठीक है, पेशेंट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये क्या है, पेशेंट की पोजीशन स्पाइन है. मैंने पहले भी ये बात की थी अपर लिम में कि आप पेशेंट की डिफरेंट कर सकते हैं, पोजिशन जो होती है ना वो आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो सकती है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन sciatic नर्व में आपने पेशेंट को स्पाइन ही लटाना है ताकि आपकी sciatic नर्व की स्ट्रेचिंग अच्छी हो, एटलीस्ट जब आप SLR दे रहे हो. ठीक है, स्लम्प टेस्ट तो डिफरेंट है ना, स्लम्प जब हम स्लम्प सेट में करेंगे तो वो और तरह से होता है, लेकिन जब आप SLR परफॉर्म करवा रहे हो तो आपने पेशेंट को स्पाइन पोजिशन में ही लटाना है. ठीक है, अब क्या हुआ, पेशेंट को आपने स्पाइन पोजिशन में लटा दिया है. ठीक है, अब हमने उसको कह दिया कि आपने अपनी लेग को या उसकी लेग को आपने लिफ्ट किया अपर ऊपर की तरफ. ठीक है, साथ आपने क्या किया उसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर दिया एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन. ठीक है, इसकी सेवरल वेरिएशंस हैं. ठीक है, अब ये तो मैंने आपको कह दिया ना, सीधी उठाई और स्लाइटली सी डॉर्सिफ्लेक्शन हमने ऐड करते जाना है फुट के ऊपर. ठीक है, आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि उसने नी को सपोर्ट किया हुआ है ताकि हमारे पास लेग जो है बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से रेज हो. ठीक है, एंड द सेकेंड वन यहाँ पे जो आ रही है वो एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन ऐड होती जा रही है. ठीक है, अब इसमें सेवरल वेरिएशंस हैं. ठीक है, कभी कभार हम एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन को ऐड करते हैं, कभी कभार हम एंकल प्लांटर फ्लेक्शन के साथ इन्वर्जन को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, फिर साथ साथ उन्होंने बताया आपको कि हमारे पास हिप की एब्डक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, हिप की मीडियल रोटेशन भी, पैसिव नेक फ्लेक्शन. अब ये डिफरेंट मैनर्स ना डिफरेंट तरीके से भी होते हैं. ठीक है, अब उन्होंने कहा ना कि आपको लॉन्ग सिटिंग, जिसमें स्लम्प सिट मैंने कहा वो हम आगे देखेंगे, उस तरह से भी आप कर सकते हो, इसको साइड लाइन में लटा के भी आप SNR परफॉर्म करवा सकते हो. ये आप पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो. ठीक है, साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि हैमस्ट्रिंग कितने टाइट हैं, कितने स्ट्रेंड हैं, ये चीज़ें आपने टारगेट करनी होती है. इसमें मेजर टारगेट आपका बेसिकली हैम्स ही हो रहे होते हैं. ठीक है, हैम्स टारगेट हैं, आपके पास काफ टारगेट हो रहा होता है. अगर आप प्रॉपरली देते हो स्ट्रेच तो आपके पास काफ भी टारगेट होता है. ठीक है, लंबोसैक्रल फ्लेक्सिस हैं और sciatic नर्व तो बेसिकली हो ही रही है. ठीक है, आपके पास स्ट्रेच हो रहा है काफ़ी चीज़ों का. ठीक है, वंस द पोजिशन दैट प्लेसेस टेंशन कैन बी इन्वॉल्व न्यूरोलॉजिकल टिश्यू इज फाउंड मेंटेन द आप अगर आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे पेशेंट की पेन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पेशेंट की कॉज है, आपने वो पोजीशन थोड़ी देर के लिए अडाप्ट करनी है, उसको स्ट्रेच देना, फिर उसको रिलीज करना है, कुछ डिग्रीज अप एंड डाउन करने हैं, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन ऐड करनी है, नीक की स्लाइड से फ्लेक्शन भी आप ऐड कर सकते हो, फिर एक्सटेंशन में लेके जाओ, इस तरह से आप स्ट्रेच को वेरिएशन देते हो. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन अगर ई वर्जन के साथ ऐड की जाए तो टेंशन ज्यादा होती है टिबियल ट्रैक्ट के ऊपर. ठीक है, अब आपको ये चीजें कुछ पता होनी चाहिए कि आपने किस जगह पे किस चीज को टारगेट करना है. जब आपने टिबियल ट्रैक्ट को टारगेट किया ना, ठीक है, जब आपने टिबिया को टारगेट किया तो आपने क्या किया, बेसिकली टिबियल ट्रैक्ट जब टारगेट हुआ, टिबियल ट्रैक्ट का मतलब है कि जो उसकी आगे ब्रांच थी. ठीक है, हमने उसकी बात की थी. जब टिबियल ट्रैक्ट टारगेट हुआ तो आपने क्या करना है, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ ई वर्जन ऐड करनी है. ठीक है, अब आपको ये टर्म्स अगर क्लियर होंगी ना, डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, ई वर्जन क्या है, इनवर्जन क्या है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है इन टर्म्स इसको
डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। सेकेंड वन इज, अगर आपने डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ इन्वर्जन की तो आपके पास सुरल नर्व आ गया। सुरल नर्व वही नर्व है जो हम बेसिकली डिफरेंट तरह की ऑर्टोग्राफ्ट में यूज करते, ग्राफ्टिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये ग्राफ्टिंग के लिए ये नर्व यूज होती है आपके पास, जहां पे आपको नर्व का ग्राफ्ट चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन इन्वर्जन के साथ जब आप ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉमन पेरोनियल का ट्रैक्ट है। अब हम मैंने आपको शैटिक नर्व की दो ब्रांचेस पाई थी, टिबियल और कॉमन पेरोनियल। टिबियल हमने ऊपर कहा कि टिबियल साइड पे जहाँ पे जा रही थी, कॉमन पेरोनियल हमारे पास फेमर वाली साइड पे जा रही होती है, पोस्टीरियर साइड पे बेसिकली। सो हमारे पास कॉमन पेरोनियल पे जब होती है तो हम प्लांटर फ्लेक्शन के साथ इन्वर्जन ऐड करते हैं तो हमारे पास टेंशन जो होती है बेसिकली कॉमन पेरोनियल पे पड़ी है। अब शैटिक नर्व अकेली तो नहीं है ना, हमने उसके बाकी ट्रैक्ट्स को भी पाथवे को फॉलो करना है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एडक्शन ऑफ द हिप व्हाइल डूइंग एसएलआर प्लेसेस फर्दर टेंशन ऑन द नर्वस सिस्टम। एडक्शन अगर आप ऐड करते जाओगे ना तो ये ज्यादा हमारे पास जाहिर से ज्यादा टेंशन नर्व्स पे क्रिएट करेगा, खासतौर पर शैटिक नर्व पे, जो वहाँ पे जहाँ पे इश्कियल ट्यूब्रोसिटी है, मीडियन रोटेशन। आप अगर देखो, अगर आपने वहां पे हमने कहा ना कि हम एडक्शन ऐड करते हैं, अगर आप मीडियल रोटेशन भी ऐड करते हो तो ये शैटिक नर्व को मेजरली जो होती है ना एसएलआर क्या करती है, टेंशन क्रिएट करती है। तो ये डिफरेंट तरीके से ना आप जहाँ पे आपको ज्यादा चाहिए या जिस पॉइंट को आपने ज्यादा टारगेट करना है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि शैटिक नर्व का ऊपर वाला पाथवे ठीक है लेकिन टिबियल रीजन या कॉमन पेरोनियल वाले रीजन पे या सुरल नर्व वाले रीजन पे कोई इशू आ रहा है, तो आप क्या करते हो कि उनके स्पेसिफिक जो पाथवे, जैसे आपको बता दिया ना कि वहीं पे एसएलआर आपने परफॉर्म कराया लेकिन एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ आपने इन्वर्जन ऐड की तो हमारे पास सुरल नर्व, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ इन्वर्जन ऐड की तो टिबियल नर्व, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन के साथ इन्वर्जन ऐड की तो कॉमन पेरोनियल नर्व। तो हमारे पास इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अब पैसिव नेक के फ्लेक्शन जब आप एसएलआर करवा रहे होते हो तब करवाओ तो स्पाइनल कॉर्ड क्रैनियली काफी हद तक जो होता है ना वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है। आप इंटायर नर्वस सिस्टम को स्ट्रेच कर सकते हो अगर आप पैसिव, देखो एसएलआर परफॉर्म करवाया फिर आपने पेशेंट को कहा आप नेक के फ्लेक्शन करें तो आप काफी हद तक नर्व टारगेट करोगे, ठीक है। लेकिन ये भी काफी हद तक ना, इसमें यह है कि आप हर नर्व को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। मेजरली आप कर तो सकते हो, अच्छा है आपके लिए, काफी अच्छा स्ट्रेच है ये पूरे नर्वस सिस्टम को टारगेट करने के लिए, लेकिन ये है कि आप सारे नर्व्स को टारगेट नहीं कर सकते और शायद हो सकता है कि जिन नर्व्स को आप टारगेट करना चाह रहे हो वो नर्व्स टारगेट भी नहीं हो रही, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकली कुछ जगहों पे आपको उन्हीं नर्व्स पे काम करना पड़ता है जहाँ पे आपको जरूरत है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम स्लम सिटिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास वीडियो शॉर्ट रहे, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए या बहुत ज्यादा लेंथी वीडियोज में ना जाए, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई चीज समझ नहीं आई या कोई चीज ऐसी है जो आपको इशू क्रिएट करिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।